टॉप 20 में आपने बड़ी 20 खबरें देखी। आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त की बड़ी खबर है, ताजा अपडेट है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ 47वां दिन आज किसान आंदोलन का है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, थोड़ी ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है ये भी आपके सामने हम रखेंगे। आंदोलन और कृषि कानून से जुड़ी सभी अर्जियों पर सुनवाई होगी। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। 15 जनवरी को सरकार के साथ फिर बातचीत होगी। जी हाँ, तो आज सुप्रीम सुनवाई है। जितनी भी पिटिशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सारी पिटिशन जो है वो क्लब कर दीजिए, एक साथ ले आइए। और आज जो है एक साथ आप कह सकते हैं कि सुनवाई जो है वो होनी है सुप्रीम कोर्ट में। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जितने भी ग्रुप्स हैं फार्मर्स के, जितने भी लोग हैं वो सब साथ में आए, साथ में अपने अपने नाम दे, अपने अपने नाम दिए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद टिप्पणी दी थी और कहा था कि शायद मसला हल नहीं हो पाया है, जहां पर गाड़ी थी वहीं पर रुकी हुई, यानी किसान अपनी जगह बैठे हुए हैं, सरकार जिद पर अड़ी है कि वो कानून वापस नहीं लेगी। आज सुप्रीम सुनवाई है और सुप्रीम सुनवाई में देखना दिलचस्प होगा कि अब कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है, क्या कोर्ट किसानों से कहती है कि आप घर जाइए, जो कानून है वो सही है, पहला। दूसरा, क्या कानून में संशोधन की बात सुप्रीम कोर्ट कहती है, जो शायद ज्यूरिडिक्शन में आता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। किसान आंदोलन का 47वां दिन, सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, क्या किसान आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं, कोर्ट क्या रुख रखता है, अन्नदाता क्या वाकई मान जाएंगे, सरकार अपनी कोशिश में क्या कामयाब हो पाएगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से आदित्य नायर जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जतिन गोस्वामी हैं, और साथ ही साथ ऐश्वर्य जैन हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं आदित्य, चूंकि यहीं लगातार आगे की स्ट्रेटजी पर बात हो रही है। 15 जनवरी की मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे किसान, इसको लेकर क्या बात है, और आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की होंगी, इंतजार है फैसले का। जी बिल्कुल, 15 जनवरी की अगर मीटिंग की बात करें तो उसमें किसानों ने ये कहा है कि वो जरूर जाएंगे, वो बात जरूर करेंगे, पर उनको ज्यादा उम्मीद नहीं उस 15 तारीख के मीटिंग से। उन्होंने कहा बहुत छोटी मीटिंग होगी, वो होगी भी तो एक आधा घंटे की, क्योंकि उन्हें लगता सरकार उनकी बात मानेगी तो वो बहुत जल्दी वहां पे मिलेंगे सरकार से और वापस आ जाएंगे, ऐसा राकेश टिकैत का कहना था। इसके अलावा ज्यादातर जो कल मीटिंग हुई है 15 तारीख की मीटिंग को लेकर, उसके अलावा जो कल जो ज्यादातर मीटिंग हुई है वो इसी बात को लेकर कि प्रशांत भूषण के साथ बैठक करी और ये पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ हम आगे कैसे इस बात को लेके जाना है, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के तहत नहीं संसद में लाके इस पूरे मामले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि किसानों का कहना यही है, वो जानते हैं शाहीन बाग में कैसे पूरे इस मामले को देखा गया था और शाहीन बाग के पूरे मामले को कैसे उठवाया गया था, तो उस मामले के चलते ही अब उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के में इस मामले को अगर हम संभाला जाए तो सुप्रीम कोर्ट से हटाकर इस मामले को संसद में लाया जाए और तीनों कानून को वापस लाया जाए, ऐसी याचिका वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ठीक है, ठीक है आदित्य, सीधे टिकरी चलते हैं, ऐश्वर्या जैन वहां से हैं। ऐश्वर्य, वो पहला दिन भी था जिस दिन आप मौजूद थे, जिस दिन आप कह सकते हैं टेयर गैस के गोले छोड़े गए थे, आज भी वहां पर मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है, किसान सुप्रीम कोर्ट को किस नजरिए से देख रहा है, क्या उसकी अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाए जिससे किसान के हित में हो, किसान को लगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा हुआ है, किसानों में क्या बातचीत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई को लेकर? देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये टिकरी बॉर्डर की वो लोकेशन है जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कई किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा अहम दिन है। जितनी भी याचिकाएं थी उन पर आज सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन भी दे सकता है। 8 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है, 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होनी है सरकार के साथ। क्या किस तरीके से आज का अहम दिन देख रहे हैं आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है, पहली बात तो हमने ना तो किसी किसान संगठन ने रखा ना किसी किसान ने रखा, ये कहीं ना कहीं सरकार के ही कुछ आदमियों ने रीट लगाई है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट जो केवल 8 किसान संगठनों से बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन इस आंदोलन के अंदर 500 किसान संगठन है और 500 किसान संगठनों के अलावा भी जो किसी संगठन से कोई ताल्लुक किसान नहीं रखता, लाखों की संख्या में वो किसान भी है, तो 8 किसान संगठनों को अधिकार नहीं है कि लाखों किसानों का कोई फैसला लिया जा सके। दूसरा, जो ये सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला नहीं है, एक राजनीतिक विषय है, एक सामाजिक विषय है,
ये मामला किसान और सरकार के बीच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी यही बात रखने वाले हैं कि ये मामला सरकार और हमारे बीच में है, आपके जो फैसले करने हैं वो अपने तरीके से करें, लेकिन हमारा आंदोलन जो सरकार के साथ है और सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है। आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है आगे, अगर आज सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन देता है अपना, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके से महामारी के बीच आंदोलन नहीं करना चाहिए, कुछ भी टिप्पणी दे सकता है। इसके अलावा जो सरकारी विषय है, यानी जो 3 कृषि कानून को रिपील करने का विषय है, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी। आप लोगों की क्या, क्योंकि आज भी आपने बैठक करी, क्या रणनीति रही है आगे की? हमारी रणनीति यही रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में यही चीज कहने वाले हैं, हमारे जो वकील साथी हैं वो भी यही चीज कहने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंटरेस्ट ना ले इसमें, जो मामला है राजनीतिक मामला है और लाखों किसानों के भविष्य का मामला है। क्योंकि जब सरकार से 9वें दौर की बातचीत हुई तब सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कमेटी बनाइए, कोर्ट का रुख कीजिए, किसानों ने कह दिया ये कोर्ट का मामला है ही नहीं, हम सरकार से सुलह चाहते हैं, सरकार से समाधान हो जाए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों की अर्जियों पर आज सुनवाई होनी है। जतन का रुख कर लेते हैं। जतन, लगातार किसान आंदोलन के अलग अलग रंग हम देख रहे हैं, अलग अलग चुनौतियां किसानों के सामने भी है, सरकार की भी कोशिश है इस सरदर्द को दूर करें, आंदोलन को शांत कराए। ऐसे में सरकार से बातचीत के लिए किसान तैयार हैं, 15 जनवरी को बातचीत के लिए पहुंचेंगे, लेकिन साथ ही कह रहे हैं उम्मीद कम है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें कितनी हैं? देखिए, बिल्कुल जो किसानों का रुख है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति काफी सकारात्मक है। एक छोटी सी राहत जरूर आज, अब थोड़ी देर पहले बॉर्डर पर दिखी है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, धूप थोड़ी सी निकल आई है, क्योंकि सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा यहां पर किसान ठिठुर रहे थे। और देखिए, आसमान के नीचे नहाना ये इस समय आसान नहीं है, इसे हम और आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि हम मोटे मोटे कपड़े पहनकर जब घरों से बाहर निकलते हैं तब भी हमें ठंड महसूस होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ वो सोच रहे हैं सीधे पूछ लेते हैं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? दोनों ही मामलों पे सुनवाई होनी है, एक आपके पक्ष में भी एक आपके खिलाफ भी जा सकता है। देखिए, मेरे देश का किसान आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण रूप से विश्वास रखता है, जो वो करेगा उसे सरकार को भी मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा। और मुझे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि वो हमेशा आज तक किसान के ही हित में काम किया, जो भी निर्णय दिया वो किसान के हित में दिया, उसे सरकार ने मान्या या नहीं मान्या वह बात तो दूसरी, क्योंकि लागू कराना सरकारों का काम होता है। दूसरी बात यह, हमें सरकार पर भी बहुत भरोसा, और मैं तो सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट से न करा के ये अगर आप करो तो आपको बहुत फायदा, जनता ने आपको सर पर बैठा रहा है। यानी 15 तारीख को लेकर भी आप लोग सकारात्मक हैं काफी? हाँ, सकारात्मक है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर आस है, मगर ये है हमारा, ये अगर सरकार कर देती है तो बेहतर बढ़िया है, क्योंकि वोट हमने सरकार को करा था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं करा। बहुत ज्यादा परेशानी बहुत हो रही है किसान को इस समय ना? परेशानी तो है ही है, अब परेशानी तो झेलनी है, जब सारा हमारा जमीन जा रही है, खेती जा रही है, तो क्या करेंगे भाई, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। अब अगला टर्न हमारा ये है कि 26 के बाद में अगर नहीं होता तो यहाँ जानवर लाने का प्रावधान हमारा। तो देखिए, आप बड़ी बात भी यहाँ सुन सकते हैं कि 26 तक तो ट्रैक्टर की बात हो रही है, एक तरफ टैंक होंगे दूसरी तरफ ट्रैक्टर होंगे। कल यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि 4 ट्रैक्टरों के लिए मांग की जाएगी सरकार से कि इजाजत दें 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में जाएं। लेकिन फिर भी जो किसानों की राय है वो काफी सकारात्मक है, चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं अभी पता क्या हो, लेकिन चाहते हैं सरकार इसको करे तो बहुत बेहतर होगा, ये खुद किसान सकारात्मक रूप से कह रहे हैं। जी, कम एरिया में पहले ही किसान दिख रहे थे, लेकिन देख रहे हैं जतिन वक्त के साथ साथ बहुत दूर तक गांव जैसा बसा हुआ है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं, किसान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि हमारे हित में फैसला होगा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल को ध्यान रखते हुए, किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा था कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पा रही है, इसीलिए आंदोलन खत्म होना चाहिए या कोई और तरीका निकालना चाहिए। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट क्या कैसे कराएगी सुलह, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। अन्नदाता मान जाएगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन से जुड़े सभी मामलों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में कृषि कानूनों से जुड़े हुए सभी मामलों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर निगाहें सभी की टिकी हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाएं अभी तक कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। कुछ याचिकाओं में आंदोलन को खत्म करने की मांग की गई है, कई याचिकाओं में
तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग भी की गई है। इन सभी मामलों की आखिरी सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी और 17 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की थी कोरोना काल को देखते हुए और कहा था इतनी ज्यादा भीड़ में कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पाएंगी। साथ ही आप जानिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर सरकार वर्सेस किसान कैसे है, कैसे दोनों तरफ से याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन मामले को लेकर सुनवाई है, किसान कोर्ट जाने के पक्ष में हालांकि है नहीं। पिछली जो बातचीत हुई थी सरकार और किसानों के बीच में उसने भी सरकार ने कहा था कि किसान कोर्ट जाए लेकिन किसानों ने कह दिया सरकार ही समाधान निकाले। देखिए क्या है दोनों पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बात रख सकते हैं किसान तीनों कानून रद्द करने के लिए अड़े, यानी जो किसान है वो तीनों कानून रद्द करना चाहते हैं, कोर्ट जो कहेगा सब मान लेंगे, कानून वापसी तक लड़ाई चलेगी। यानी किसान भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं लेकिन कहते हैं लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कानून वापस नहीं होगा। ऐसे में किसानों की मांग क्या है, सरकार का नजरिया अब तक क्या है, 9 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, 10वें दौर की बातचीत 15 जनवरी को होनी है। सरकार कह रही है कानून वापस हम नहीं ले सकते लेकिन किसान कह रहे हैं खेती से जुड़े हुए आपके तीनों कानून जो नए हैं वो किसानों के हित में नहीं, इसलिए इन्हें वापस लीजिए। कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा, कानून में संशोधन कर सकते हैं ये कहना है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए, एमएसपी पर लिखित गारंटी दीजिए ये कहना है किसानों का। नया बिजली कानून ना आए, बिजली कानून 2003 ही दोबारा से लागू। ऐसे में बिजली पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी ये चिंता लगातार किसानों के जहन में है। ऐसे में सरकार आश्वासन दे रही है विचार इस पर हो सकता है, बिजली पर नया कानून नहीं आएगा ये भी आश्वासन दिया गया है। पराली जलाने पर बहुत विरोध था, पराली जलाने पर जो जेल की सजा थी उसको हटाया जाए, पराली जलाने पर जेल और जुर्माना दोनों ना हो ये किसानों का मानना है। ऐसे में लगातार अलग अलग तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर से आपके सामने रख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। आंदोलन के 47वें दिन बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी है, दो चीजों पर सुनवाई है, एक में फैसला किसानों के खिलाफ भी आ सकता है और दूसरे में किसानों के पक्ष में भी आ सकता है। क्या दोनों फैसले आएंगे, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर किसान क्या सोच रहे हैं? मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और क्योंकि तापमान की जहां बात कर रहे हैं तो वो लगातार गिरता जा रहा है और देखिए किसानों ने यहां सुबह के वक्त ही अलाव की व्यवस्था की है और भारी संख्या में वो यहां पर अलाव ताप रहे हैं, लेकिन किसानों ने ये कहा है कि उन्हें ठंड से कोई चिंता नहीं है, वो अपने आंदोलन पर लगातार डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांग यानी कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी नहीं मिलेगी तब तक वो इसी तरह से यहाँ डटे रहेंगे। किसान हमारे साथ मौजूद हैं और आज महिला किसान भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रही हैं। पहले एक महिला किसान से पूछ लेते हैं कहाँ से आई हैं जी आप? मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी, गाजियाबाद से हूँ जी और किसानों के समर्थन में पूर्ण रूप में पूरे परिवार के साथ यहाँ पे किसानों के समर्थन में हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ही गई है, किसान तो गया नहीं पहली बात, और दूसरी बात ये है कि सरकार को ही ये देखना चाहिए था कि यहाँ एक इतने टाइम से मतलब आंदोलन चल रहा है तो सरकार क्योंकि जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार है तो जनता का जो है अपना हक रखना बनता है, तो वही किसान आज जो है इतने दिन में मतलब अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के यहाँ पे खेती किसानी छोड़ के सब यहाँ पड़े हुए। हालांकि वहाँ से पक्ष में भी फैसला किसानों के आ सकता है क्योंकि तीनों कृषि कानून रद्द होने वाला जो याचिका है उस पर भी सुनवाई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में बात बनेगी आपको लगता है? हाँ हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो दरअसल हमारी क्योंकि वो सर्वोच्च संस्था है तो सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारी बात सुनेगा, गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है जी आपका? उम्र कितनी? अजीत सिंह, 65 साल। डटे हैं 65 साल? बिल्कुल बिल्कुल। ठंड बहुत ज्यादा है आज? कोई परवाह नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट और 15 तारीख क्या होगा, क्या लगता है? देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सर्वोच्च अदालत है मगर तानाशाह के राज में जो है इस वक्त तानाशाह बैठा है ना, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट को भी बंधक बना लिया है, राष्ट्रपति को भी बंधक बना लिया है, वैसे देखिए आज क्या करता है। आंदोलन के 47वें दिन वही जज्बा, ठंड लगातार बढ़ती हुई लेकिन आंदोलन का जो पारा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ। यूपी बॉर्डर से आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, किसान क्या सोचता है, सुप्रीम कोर्ट से उसको उम्मीद क्या है और पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। खेती वाले तीन कानून को फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर खेती वाले कानून में क्या है। फार्मर्स
प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन की बात की गई है। यह एक्ट बनाया गया है, किसान सरकारी मंडियां यानी एपीएमसी से बाहर फसल बेच सकते हैं। ऐसे में फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट यानी कि किसान कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर अपनी फसल बेच सकते हैं। एसलियन कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट अनाज दलहन तिलहन खाद्यान्न तेल आलू प्याज आवश्यक वस्तुओं को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। अब तक ये सारी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज में फूड प्रोडक्ट्स में आती थी। ऐसे में केवल युद्ध भुखमरी प्राकृतिक आपदा या फिर बेहद महंगाई होने पर स्टॉक सीमा तय होगी, ये भी प्रावधान है। लेकिन किसानों के जरिए कहा जा रहा है कि जो तीनों नए कृषि कानून हैं इन्हें आप वापस लीजिए, किसान हित हिस्से होगा नहीं। ऐसे में कैसे ये किसानों का मसला कोर्ट तक पहुंच गया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई है, ये भी जानिए और समझिए। 26 जनवरी ये वो दिन था जब किसान दिल्ली की सड़कों पर जमा हो गए। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आज हजारों की संख्या में किसान हैं। किसानों की वजह से आम लोगों को दिक्कत भी हो रही है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। आंदोलन को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। कोर्ट ने कहा विरोध करना किसान का अधिकार है, किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए। ऐसे में आरजेडी सांसद मनोज झा ने याचिका भी लगाई है कि किसानों की मांग पर कोई अमल होना चाहिए, कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाए। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा की भी एक याचिका इस मामले में है। मांग ये की गई है कि कोर्ट सरकार को कानून रद्द करने का आदेश दे, लेकिन सरकार बार बार कह रही है तीनों कानून वापस तो किसी भी कीमत पर होंगे नहीं। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच से एक और खास रिपोर्ट आपके लिए। का 47वां दिन है, एक तरफ तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो किसानों के आंदोलन का पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। किसान किस हालात में है वो मैं आपको दो तस्वीरों में दिखाऊंगा। पहली तस्वीर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो देसी बॉयलर है वो पहले ही लगा दिए गए थे और आसमान के नीचे ही पानी गर्म करके किसान यहां पर अपनी जो दिनचर्या है उसको शुरू करते हैं। और आप देखिए कि इतना जो कम टेम्परेचर हो रहा है उसमें आसमान के नीचे नहाना आसान नहीं है, लेकिन किसान यहीं पर नहाते हैं। और यहीं पर आप देखिए कि सुबह के समय वो अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं ब्रश करते हुए। किसान को भी आप यहां पर देख सकते हैं, देसी बॉयलर काफी संख्या में यहाँ पहुंचे थे जो काफी मददगार अभी भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि तापमान की जब हम बात कर रहे हैं तो वो गाजियाबाद में करीब 5 डिग्री तक फिलहाल भी जा रहा है और अगले 10 दिनों तक इसी तरह का अंदेशा है कि तापमान गिरेगा। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन वही रहेगा, वो लगातार डटे रहेंगे। आप इधर देखिए, चाय जो है उसकी चुस्की भी वो यहाँ पर ले रहे हैं और किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गर्माहट महसूस की जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि दो तस्वीरें दिखाऊंगा, तो दूसरी तस्वीर मैं इस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए जो महिलाएं हैं किसान परिवारों की वो यहां रसोई संभाल रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जो महिलाएं हैं वो भी भारी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंच रही हैं। बिल्कुल साफ है किसान मानने को तैयार नहीं है, पूरी पूरी फैमिलीज पहुंच गई हैं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। किसान सिर्फ एक बात पर अड़िग है कि ये बिल वापस हो। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है दिल्ली में, दिल्ली में बर्ड फ्लू का मीटर क्या कहता है, कहां कहां पाए गए हैं बर्ड फ्लू के सिम्टम, सब कुछ आपको बताएंगे एक छोटे से वीडियो में।